आपको दिखे गई सामने वाली टॉप है काला मुनि, और हम लोग चलने जा रहे हैं और काला मुनि टॉप पे। तो यार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा, तो कल का ब्लॉग हमारा आधा ही रहा था। तो दोस्तों, आज का सफ़र हमारा यहाँ से बेटुली धार से स्टार्ट होगा और मुंशारी म्यूजियम से फिर वापस बिरथी फॉल तक का सफ़र आज का हमारा रहने वाला है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो देखते रहिए अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल। लुड़के हैं भैया, ये काफी मजेदार मजा आ गया। आप भी करेंगे? चलो 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 चलो, हम जा रहे हैं। कहाँ? लुड़कने। चलो चलो, पहले महादेव को प्रणाम करो। हाँ, ये जय शिव शंभू, सुरक्षा करना। चलो अब लुड़को। ओहो, ओ भाई, ओ ये सही था। अरे अरे अरे, बस करो बस करो बस करो। मजा आ गया। यो फुल एंजॉय। यो ओ भाई, ओए मैं गिर गया, बहुत तेज हो रहे हो। तो पापा के चमगादड़ों की फाइट। ऐसे नहीं, अरे आप लोग चमगादड़ पापा के। ठोको ठोको, काफी इंजॉय। यो ओ भैया, वो गिर गयो दाजी। यहाँ पत्थर होंगे, यहाँ थोड़ा संभल के, पत्थर है यहाँ। इधर साइड का ऊपर, इधर को आओ ना, यहाँ को खेलो, यहाँ को कम है। थक गए? तो थकान, अब इसके बाद सीधे वहीं जाएंगे म्यूजियम मुंशियारी, ठीक है? ओ तेरी, गिर गया। वीडियो बन रही है, आ जाओ। एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग। चलो 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 चलो, बहुत सही, लेकिन नहीं हो पाया। तो यार दोस्तों, दादी लोगों ने कंप्लीट मजे ले लिए बर्फ के, क्यों बहुत और फुल एंजॉय कर लिया। अब चलते हैं आगे की ओर, दादी ऊपर पहुंच गए हैं, काफी लोग और आ रहे हैं। अब सीधे चलते हैं मुंशियारी की ओर, अब आपको दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? म्यूजियम। तो बर्फ में काफी दिक्कत हो रही है, गाड़ी रपट रही है, और इसमें भैया मेरे हिसाब से तो धीरे धीरे ही चलनी चाहिए गाड़ी, क्यों ना? हाँ, तो कुछ इस तरीके के ऐसे टीले बन रखे हैं बर्फ के, यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में बर्फबारी हो रखी है, और ये इतनी सख्त हो रखी है ना, ये बिल्कुल आइस हो रखी है, मतलब तगड़ा तरीके से ग्लास बना हुआ है, जो कि काफी डेंजरस है, रपटते है। और यहाँ ग्रीफ के कुछ आदमी भी लगे हुए हैं बर्फ साफ करने में, जो कि काफी सही काम कर रहे हैं बंदे। तो भैया कुछ ये है हालचाल, तो काफी इंटरेस्टिंग। दोस्त बार भी आओ, बैठो बैठो, घर बाल भी और एक था वो जो था
या किरानी पहाड़ी गीत रे अज मिल बे नम जम के नचनु हां बंद कर दे परदेस गीत रे तो नचनु बस पहाड़ी गीत मां ढोल धमो में तू नच दे बिन बजा भी तू बज दे हुड़के की थप लग मेरे मुरली की तन बज दे पर बज दे तू पहाड़ी की तरे आज मिल बे रम जम के नचनु हां को बंद कर दे परदेस की तरे मिठो नचनु बस पहाड़ी बीट मां चार छपेली सुने दे विचार छोड़ ले लगे दे बुले दे तू अनमण बजी वो छोलिया रखो मसक बिन ढोल दमो वाले संगीतकारों को बुले दे अब बजे भी दे बजे दे तू पहाड़ी गीत रे आज मिल बे रम जम के नचनु हां बंद कर दे परदेस गीत रे मिठो नचनु बस पहाड़ी गीत मां पर बजे दे तू पहाड़ी गीत रे अज मिल बे रम जम के नचनु हां बंद कर दे परदेस गीत रे मिठो नचनु बस पहाड़ी गीत मां तो यार दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं म्यूजियम पे जो कि पंडित जी का म्यूजियम भी कहा जाता है। तो यार दोस्तों आओ आपको ले चलते हैं म्यूजियम पे जो कि पहाड़ी कल्चर को समेटे हुए है सजोए हुए है और इस म्यूजियम की एंट्री फीस है मात्र 20 रुपया। तो 20 रुपया देकर हमने म्यूजियम का सैर किया और अपने पुराने कल्चर को देखा समझा और इसकी विशेषता को समझा। तो आओ आपको भी दिखाते हैं पहाड़ी म्यूजियम। 1962 से पूर्व सैकड़ों सदियों तक इस क्षेत्र के लोगों का भारत तिब्बत के मध्य विनिमय व्यापार का संबंध रहा था। 1962 में चाइना वॉर के कारण तिब्बत व्यापार बंद हो जाने के पूर्व काष्ठ कला के नमूने की खिड़की दरवाजे तथा झूमर और मट्ठा बनाने का पात्र नलिया से परिचित हो गए। बासी पंच धातु से बना पंचदीप है जिसमें दिया प्रज्वलित किया जाता है। भाई आप लोगों ने देखा कि म्यूजियम पंडित जी का म्यूजियम देखा आप लोगों ने जो कि काफी खूबसूरत है और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को यहाँ आना चाहिए विजिट करना चाहिए और अपने जो पुरानी संस्कृति है जो जहां से हम होके आ रखे हैं वो सब चीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जिसने नहीं देखी है वो यहाँ आके अपने इतिहास को जान सकते हैं पहचान सकते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं म्यूजियम से चलते हैं तो अब मिलते हैं घर की ओर जाते हैं खाना वगैरह खाते हैं भूख भी काफी लग गई है। तो दादी लोग तो आधे चले गए हैं और हमारे बड़े भाईजान यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं पंचाकली रेंज के और दादी यहीं पे बता रहे हैं उनको। तो अब यहाँ से चलते हैं टाटा बाय बाय और बाकी क्या कहें लो आगे को। एक ही लकड़ी से बना हुआ है जोर नहीं मिलेगा आपको। तो भैया ये है पहाड़ी झूमर एक ही लकड़ी से बना हुआ झूमर है और देख सकते हैं ये जो आजकल पेंसिल की नोक पे डिजाइन की जाती है ना उसी तरीके से ये कुछ बनाया गया है।
पूरा एक ही झूमर, ये देखो एक ही बैंड इसमें मिलेगा, ये मिलेगा जो कि काफी खूबसूरत है भाई, मजा आ गया। तो भैया फाइनली हम मुंशारी से तो आ गए हैं और खाना पीना खाने के बाद अभी दादी लोगों को ले चल रहा हूँ मैं वाटरफॉल की तरफ। क्यों दादी? एकदम हाँ, ये वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। तो अब वाटरफॉल में जाने के बाद फिर हम जाएंगे घर की तरफ। तो यार दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, खुश रहे, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल।